हाँ जी, स्वागत करते हैं जी सारिया का तुहाडे अपने चैनल स्टडी एंड कैरियर दे उत्ते। अज आप इनफॉर्मेशन लेके आए हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वालों कढ़े गए नवे जॉब नोटिफिकेशन बारे। हाँ जी, उस तो पहला रिक्वेस्ट आ जी, जेड़े भी भैन भरा चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल नू सबसक्राइब कर लवो जी, ते बैल आइकन नू दबा दबो ताकि तुहानू आने वाले सारे नोटिफिकेशन सब तो पहला मिल सकन। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी नाल रिलेटड आपां हर एक नोटिफिकेशन दी अपडेशन दिंदे हाँ जी, सो इस करके सबसक्राइब कर लवो जी। सो हुण गल करदे हाँ जी अज दे नोटिफिकेशन बारे। जिवें कि तुहानू पता ही है कि कुछ दिन पहला एक नोटिफिकेशन आया सी कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वालों वैकेंसियां कढ़ियां जाणगियां। सो उदों मैं कहा सी कि शायद ये फेक होवे, पर आ देखो जी अज थोड़ा टाइम पहला ही बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दी ऑफिशियल वैबसाइट दे उत्ते एक नोटिफिकेशन आया है, तुसी देख सकते हो जी। आ देखो जी, क्लिक हेयर टू अपलाई फॉर स्टाफ नर्स ECG टैक्नीशियन एंड मैडिकल फिजिसिस्ट अंडर BFUHS फरीदकोट। हाँ जी, इनू आपां खोल के दिखाने जी तुहानू। आ देखो जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड अप टू 11/1/2022 फ्रॉम एलिजिबल कैंडीडेट्स थ्रू यूनिवर्सिटी वैबसाइट। हाँ जी, ये 30 पोस्टा ने जी स्टाफ नर्स दियाँ, 2 पोस्टा ने जी ECG टैक्नीशियंस दियाँ, अते 4 पोस्टा ने जी मैडिकल फिजिकिस्ट दियाँ। ये रेगुलर बेसिस ते गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदकोट लई चाहिए आ जी। सो तुसी इन्हां दी वैबसाइट ते जाके रजिस्ट्रेशन करके वैकेंसियां लई अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, उम्मीद आ कि तुहानू अज दी इह अपडेट पसंद आई होवेगी, अते जल्दी तो जल्दी अप्लाई कर देवो जी। बाकी जेड़ा स्टाफ नर्स का एग्जाम होया सी उस दी भी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन डेट दी उम्मीद आ जी आजूगी थोड़े दिनों दे विच विच। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे ने, बाकी जिद्दां ही कोई अपडेट आउंदी आ तां आपां अपडेट जरूर करांगे। बने रहो चैनल दे नाल, ते जेड़े स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे आ वह सबसक्राइब जरूर कर लो जी। बाकी आपां बाकी भी सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाउंदे हाँ अते जॉब नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हाँ। हाँ जी, वीडियो देखने लई थोड़ा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल नूं बहुत प्यार दे रहे हो उस लई भी सब दा बहुत बहुत धन्यवाद। सो जल्दी तो जल्दी अप्लाई करो जी, स्टाफ नर्स वालियां 30 पोस्टां उन्हां लई सुनहरी मौका है। धन्यवाद जी।